क्या होता है आईपी एड्रेस? क्या आईपी एड्रेस से आपका एड्रेस ट्रेस किया जा सकता है या फिर नहीं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर है जो कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको दिया जाता है। ये आईपी एड्रेस हर डिवाइस के लिए अलग होता है और ये इसलिए होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके दूसरे नेटवर्क के बीच। जैसे कि आपको कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो पहले आपका आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के सर्वर पे जाएगा, फिर वो वेबसाइट आपको सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइड करेगी आपके आईपी एड्रेस पे, तो वो वेबसाइट आपके आईपी एड्रेस पे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और वो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही मेन फंक्शन होता है आईपी एड्रेस का, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि सर्वर को पता हो कि इंफॉर्मेशन कहाँ डिलीवर करनी है, किस स्पेसिफिक जगह पर डिलीवर करनी, कहाँ उसकी नीड है। और आईपी एड्रेस से आपका एड्रेस बिल्कुल ट्रेस नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, अगर किसी को आपका आईपी एड्रेस मिल भी जाता है तो वो आपकी केवल वेब हिस्ट्री देख सकता है, आप कैसे क्या इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, क्या सर्च करते हैं, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका देख सकता है कि कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि जियो, एयरटेल या ऐसे। तो आईपी एड्रेस से आपका लोकल एड्रेस जहाँ कि आप रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता है, उससे आपकी इंटरनेट पे एक्टिविटीज़ सारी की सारी ट्रेस हो जाती हैं। इसी से ही वो लोग आगे भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और आईपी एड्रेस असल में आपको नहीं दिखता है, उसकी जगह आपको डोमेन नेम दिखता है, क्योंकि इंसान इतना बड़ा आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर एक डोमेन नेम यूज़ कर देते हैं। जैसे कि आपको वेबसाइट google.com, तो google.com उसका डोमेन है और उसके अंदर उसका एक आईपी एड्रेस है जो कि इंफॉर्मेशन देता है दूसरे डिवाइसेस को। तो यही होता है आईपी एड्रेस। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।